बीकानेर शहर की विरासत लाल पत्थर से बनी ये कलात्मक हवेलियां सभी को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन स्थापत्य कला के बेजोड़ संगम ये कलात्मक हवेलियां संरक्षण के अभाव में अपना वजूद खोती जा रही है। बीकानेर शहर की स्थापना सन 1488 ईस्वी में हुई। अपने स्थापना के प्रारंभ काल से ही बीकानेर में खूबसूरत हवेलियों का उदय हुआ। नगर की बसावट में ये फूल मालाओं की तरह गूंथी हुई प्रतीत होती है। अनुमानित रूप से हवेलियों की संख्या 1000 मानी जाती रही है। इन पर सैंडस्टोन का बहुत बारीक व जबरदस्त काम किया हुआ है। इन हवेलियों में हजारों तरह के डिजाइन हैं और इनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। ये अनमोल विरासत बीकानेर के अलावा विश्व में कहीं नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद समय काल के प्रभाव से तथा आधुनिक बाजारीकरण ने इस कलात्मकता को गंभीर क्षति पहुंचाई है। बीकानेर के अंदर इतनी कितनी हवेलियाँ हैं जो नष्ट की चुकी है, अब नष्ट के कंगार पर है। बीकानेर में बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, लोग अपने पैसों के लिए मतलब बेच रहे हैं और गवर्नमेंट इसके बिल्कुल ही मतलब देख नहीं रही है। इसमें गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट का ऐसा कानून बनना चाहिए ये धरोहर बीकानेर की बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी का जो हिंदू स्थापत्य रहा है उसके आगे की कड़ी के रूप में हम बीकानेर की हवेलियों की कलात्मकता को जोड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जयपुर और जैसलमेर के लिए जिस तरीके के संरक्षा कानून बनाए गए हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है वैसा ही बीकानेर के लिए किया जाना जरूरी है, तभी ये सुरक्षित रह सकेगी, इनकी संरक्षा हो सकेगी। हवेली प्रिजर्वेशन के लिए म्यूनिसिपैलिटी क्या भूमिका निभा सकती है? म्यूनिसिपैलिटी तो उसमें जो सिविल एमिनिटीज है, नागरिक सुविधाएं वो उपलब्ध हो, उस हवेली के जो क्षेत्र के मार्ग हैं उसमें समुचित सफाई व्यवस्था हो, विद्युत व्यवस्था हो व एनक्रोचमेंट नहीं हो, जिससे देशी विदेशी पर्यटक और अधिक आकर्षित हो सके। रिजर्वेशन ऑफ हवेलीज आल्सो इज अ वेरी सीरियस मैटर बिकॉज आई समटाइम्स फील दैट द पीपल हु ओन द हवेलीज दे आर आइदर इन बॉम्बे और इन मद्रास और समवेयर इन द वर्ल्ड एंड डू नॉट वांट टू गिव बैक टू देयर फैमिलीज देयर फॉरफादर्स एंड द पीपल ऑफ बीकानेर। I think it is time that we save the legacy of Bikaner, whatever heritage there is, it is to be able to conserve it. And there are various acts in which all these things are prohibited. Obviously, those acts are implemented time to time. Definitely, we require those people to come back and give back to the people of Bikaner something like a hotel or a destination or maybe even a museum. लेकिन जरूरत है सरकार द्वारा ऐसा प्रावधान बनाए जाने की या फिर ऐसा कोई भी कदम उठाए जाने की जिससे इन खूबसूरत हवेलियों का क्षरण किसी भी कीमत पर ना हो।